हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण जितने अनुच्छेद हैं, आपको 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको भारतीय संविधान के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा याद होना चाहिए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आज का हमारा इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। मैं जितने भी पार्ट बनेंगे मैं पूरा आपके लिए भारतीय संविधान कंप्लीट करूंगा इसमें। तो गाइस, पार्ट नंबर 1 है हमारा संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 है संघ और राज्य क्षेत्र, यानी इसमें संघ और राज्य दोनों का मिलन होकर जो है यहाँ पे निर्माण किया जाता है भारत का। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें रिलेट है। मैं आज का हमारे वीडियो में भाग 1 ही पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो भाग 1 में बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। तो अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 1 में भारतीय राज्यों का एक संघ है, यानी भारत जो है एक राज्यों का संघ है। मान लिया आप, ये भारत निर्माण हुआ, इसमें छोटे छोटे राज्य बनाए गए, उसके बाद इसे भारत का निर्माण, यानी कि भारत का निर्माण हुआ, जिसे भारत राज्यों का संघ कहा जाता है। इसमें बात करते हैं भारत की। तो भारत इसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों शामिल है। अभी आपको पता होगा इंडिया नाम पर बहुत ज़्यादा वो वायरल हुई थी भी चीज़ें कि इंडिया नाम को हटाने की बात चल रही है, तो अभी तक चल रही है इसमें, लेकिन आपको दोनों बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, भारत और इंडिया, यानी ग्रामीण क्षेत्र और आपका शहरी क्षेत्र जो इसमें शामिल है। भारत राज्यों का संघ है, यानी वो सारी चीज़ें समेटकर अपने अंदर जो है एक भारत का निर्माण किया गया है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, अनुच्छेद 2 के बारे में बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में है भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश होना है तो संसद द्वारा किया जाता है, तो नए राज्य का निर्माण होगा या उसमें संघ में कोई राज्य शामिल होगा, ये अनुच्छेद 2 में कहा जाता है। कई बार बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि अनुच्छेद 2 है या अनुच्छेद 3 है। तो आज पूरा रिलेट करके पढ़ाऊंगा मैं आपको, आपको अनुच्छेद 2 भी पूरा समझ में आ जाएगा और अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 भी पूरी चीज़ें मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ आपको। तो भारतीय राज्यों में नए राज्यों का यदि प्रवेश हो, यानी कि नए राज्य का निर्माण होता है, मान लिया जैसे किसी भी राज्य का राज्य का निर्माण होता है, तो उसमें अनुच्छेद 2 में उसको काउंट किया जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या है बच्चों? अनुच्छेद 3 में बताया गया भारत संघ में नए राज्यों का पुनर्निर्माण या निर्माण की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 3 में आता है। अब बात करते हैं निर्माण और पुनर्निर्माण, यानी निर्माण का मतलब है, यानी अगर राज्य है उसका निर्माण किया जा रहा है, एक राज्य है हमारे पास उसका निर्माण किया जा रहा है, तो अनुच्छेद 3 में आएगा। ठीक है, उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, दोनों में आपको बता रहा हूँ, निर्माण और पुनर्निर्माण, यानी कि अगर उस राज्य का निर्माण नए सिरे से किया जा रहा है और उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, तो ये आपका अनुच्छेद 3 में आएगा। गाइज, इससे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही आता है कि अनुच्छेद 2 में हम इसे लगाते हैं, नए राज्यों का गठन नहीं है, ये सिर्फ पुनर्निर्माण की बात चल रही है और निर्माण की बात चल रही है, तो ये अनुच्छेद 3 में आपका आएगा। इसको गारंटी से आप किसी नोट करके लिख लीजिएगा, आपको एग्जाम में देखने को मिलता रहता है ऐसा क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, मतलब भारत के अंदर राज्यों का जो नया निर्माण है, भारत के अंदर राज्यों का जो नया निर्माण है वो भी इसमें शामिल है। बात करते हैं राज्यों की जो सीमाओं में परिवर्तन, अगर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, मान लिया राज्य की कोई सीमा बढ़ानी है या घटानी है, वो सब अनुच्छेद 3 के अंदर आता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, राज्य के नाम में परिवर्तन करना, यदि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, मान लिया आपको किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है, तो वो भी आपका अनुच्छेद 3 में आएगा कि इसका नाम बदलकर जो है ये कर दीजिएगा, तो इसी तरीके से ये जो है इसमें शामिल होते हैं। बात करते हैं एक राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाना, यानी एक राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाना, मान लिया कोई राज्य है हमारा, मान लिया ये गुजरात है, गुजरात को बीच में से तोड़कर नया राज्य बनाएंगे, तो भी अनुच्छेद 3 में आएगा, यानी न्यू राज्य का निर्माण जा रहा है लेकिन तोड़कर बनाया जा रहा है, न्यू राज्य का गठन वो आपका अनुच्छेद 2 में ही आएगा। यहां पे कई सारे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि किस तरीके से हम इसको रिलेट करें, तो रिलेट करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, आपको कुछ नहीं करना, राज्य को तोड़कर नया राज्य यानी पुनर्निर्माण की बात की जा रही है यहां भी। इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है कि भारतीय संघ में जो राज्यों का पुनर्निर्माण है या निर्माण उनका किया जाता है या उनके नाम में परिवर्तन किया जाता है, वो सब अनुच्छेद 3 के अंदर आपके आने वाले हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें बताया गया अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 और 3 अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन होंगे वो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 यानी भाग 20। अनुच्छेद 368 जो है, तो आपको पता होगा संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में आती है और भाग 20 में है ये। कई बार ये भी डायरेक्टली
एग्जाम में सवाल पूछा गया है, इसके तहत जो है नहीं माने जाएंगे। यानी इन्होंने कहा है अनुच्छेद 4 में कि जो भी परिवर्तन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से माने जा रहे हैं वो अनुच्छेद 368 यानी कि भाग 20 के तहत नहीं माने जाएंगे। यानी इनमें जो परिवर्तन किया जाता है वो अनुच्छेद 368 में नहीं शामिल होगा। जैसे मान लिया कोई भी संशोधन या बिल पास होता है तो 368 संविधान संशोधन यानी कोई भी संशोधन किया जाता है तो 368 के तहत किया जाएगा। लेकिन अगर 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो अनुच्छेद 368 या भाग 20 में बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आपका कई बार एग्जाम में देखने को मिला भी है और हो सकता है आपके आगे आने वाले एग्जाम में ये देखने को मिले। तो गाइस ये आपको समझ लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 4 अनुच्छेद आपके मैंने करा चुका हूं और कुछ इनके बारे में रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो भी जान लेते हैं। बात करते हैं भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए महत्वपूर्ण आयोग। देखिए जब भारत के राज्य गठन हो रहा था उस पे जो है महत्वपूर्ण आयोग बनाए गए थे अलग अलग जो भाषा के आधार पर चुने गए थे। तो पहला जो आयोग था इसमें एस के धर आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एस के धर आयोग बनाया गया था जिसमें 4 सदस्य आयोग जो अध्यक्ष थे, जिसके सदस्य आयोग अध्यक्ष जो 4 थे जिनमें आपको बता दूं मैं, सुमन कुमार धर जो इनके जो अध्यक्ष थे मैन, वो सुमन कुमार धर थे। तो इनकी दिसंबर 1948 10 दिसंबर 1948 को इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए या नहीं किया जाए। तो इन्होंने बताया था कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को इन्होंने नकार दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो इस समिति ने इसको नकार दिया था। इन्होंने कहा था राज्यों का गठन प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय और विकास की सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो इन्होंने ये अलग अलग तीनों चीज़ें यहाँ पे दी थी कि इस तरीके से राज्यों का जो है गठन किया जाना चाहिए भाषा के आधार पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आई थी जेवी आयोग, फिर उसके बाद आया था जेवी आयोग। यानी कि जेवी आयोग ने क्या कहा था, इसमें जवाहरलाल नेहरू, आपके वल्लभ भाई पटेल और आपके पाटा भी सितार भैया जो है इसमें शामिल थे। इन्होंने इनको दिया गया था दिसंबर 1948 में, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट जो पेश की थी 1 अप्रैल 1949 को अपनी जो है रिपोर्ट इन्होंने दी थी। इसमें भी इन्होंने बताया था कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को इन्होंने भी मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ये दोनों समितियाँ फेल हो गई थी, यानी कुछ कारणवश जो इन्होंने अपनी रखी थी उन्होंने भी मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में आए थे फजल अली आयोग के जो आए थे, फजल अली आयोग। इसमें आपको बता दूं 1953 में जो है इन्होंने अपनी जो है बताई थी इन्हें, और 1955 में इन्होंने जो है रिपोर्ट पेश की थी। इन्होंने बताया था अध्यक्ष के रूप में थे इनमें फजल अली, और इसमें फजल अली थे। इसमें आपको बता दूं मैं अलग अलग इनके जो नाम थे, इसमें के एम पणिक्कर भी थे आपके, और आपके इसमें एच एल कुंजरू भी थे। इसमें 3 जो सदस्य थे, एच एल कुंजरू भी थे इसमें। और इन्होंने जो बताया था, इन्होंने अपनी जो उसमें बताया था कि आपकी आवश्यकता के अनुसार, इन्होंने बोला था आवश्यकता के अनुसार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। यानी पहली बार जो है इन्होंने बताया था 1955 में जो इनकी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बताया था कि भाषा के आधार पर आवश्यकता के अनुसार राज्यों का गठन की आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है। बात करते हैं इसमें बताया गया था शुरुआत में कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश आप बना सकते हैं, लेकिन क्या हुआ था 1956 में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो है रिपोर्ट पेश की गई थी, लेकिन इन्होंने 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे शुरुआत में बनाए थे। तो भारतीय संविधान का ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है। और किस कब किया गया था, 1956 में बनाया गया था ये, 1955 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, 1956 में इनको बना दिया गया था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन जो है यहाँ पे हो गया था। चलिए आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर कर दिया गया था। पहला राज्य था आंध्र प्रदेश जिसे भाषा के आधार पर चुना गया था। तो इसमें आप भाषा आपको पता होगी तेलुगु भाषा थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अभी जो है 2 जून 2014 को आपको पता होगा कि इसमें तेलंगाना जो है अलग कर दिया था आंध्र प्रदेश से। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना से जो है आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर दिया गया था। बात करते हैं इसमें आपको बता दूं मैं यहाँ पे जो पोर्टिस श्री राम लल्लू थे उन्होंने
उन्होंने 56 दिन की जो भूख हड़ताल की थी राज्य को पुनर्गठन जो इसमें भाषा के आधार पर करने के लिए, तो भूख हड़ताल के दौरान 57वें दिन उनकी मौत हो गई थी। तो इन्होंने आधार पर राज्य का गठन करने के लिए मांग की थी। उनकी मृत्यु के बाद ही जो है इन्हें राज्य का दर्जा दे दिया गया था, यानी भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था आपका आंध्र प्रदेश ही बना था गाइस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1950 में भारतीय क्षेत्रों का गठन यानी कि वर्ग विभाजन हुआ था 1950 में। तो वर्ग विभाजन किस प्रकार हुआ था, पहले इसमें आपको बता दूं ब्रिटिश प्रांत होते थे, ब्रिटिश प्रांत 9 थे, 9 ब्रिटिश प्रांत बनाए गए थे, यानी कि अलग अलग प्रांतों को ये समर्पित किया गया था। इसमें देख ले देशी रियासत कितनी थी, 9 देशी रियासतों को दिया गया था, और आपके केंद्र द्वारा जो शासित प्रदेश थे 10 उनको दी गई थी, और एक अंडमान निकोबार बनाया गया था। यानी 1950 में भारतीय क्षेत्रों का वर्ग विभाजन करके इन्होंने ये सारी चीज 4 भागों में बांट दी थी अलग अलग, जिससे उसके बाद आपका 1956 में राज्य का गठन किया गया था, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। तो गाइज आज का हमारा पहला पार्ट था ये, जो आपको आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाए। धन्यवाद।